अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन मेरे भाइयों, सब हैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी वेरी फाइन, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी थोड़ी देर तक। तो आज जो मैं आपके लिए यूनिट लेके आया हूँ वो बहुत अच्छी यूनिट है। वो कब से मेरे माइंड में है कि मुझे इस गाड़ी की वीडियो बनानी है। बहुत अच्छी गाड़ी है और बहुत नाइस कार है जनाब। तो आज इंशाल्लाह मौका मिला है मुझे इस गाड़ी की बनाने का। बहुत अच्छी गाड़ी और अफोर्डेबल है, आप अफोर्ड कर सकते हो। और क्या कहते हैं, इसका नाम जो है अभी टोयोटा रश है। टोयोटा रश टोयोटा वालों की गाड़ी है जनाबी अली, बहुत अच्छी गाड़ी है, कंफर्टेबल गाड़ी है, जापानीज गाड़ी है। और इसमें भी वो सारे फंक्शन है जो एक बड़ी गाड़ी में होने चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रिक है, विंडो, पावर विंडो, सारा कुछ ऑटोमेटिक है। अभी आपको दिखाएँगे तो इंशाल्लाह आप खुद देख लीजिए। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी है जी। व्लॉग शुरू करने से पहले फिर मैं वही कहूँगा कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें भाई को। और जो नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ उस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाया करें। और मुझे कमेंट में बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है क्योंकि मैं एवरी डे जो है रात को जाके मैं देखता हूँ कि किसी ने कोई सवाल किया है या क्वेश्चन किया है या कोई चीज़ मुझे एडवाइस भी की है कि भाई ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि मैं वो देखता हूँ कि मुझे किसी की कोई बात रह ना जाए। तो इसलिए मैं हर रोज़ अपने डेली रूटीन में अपने मैसेजेस रात को चेक करता हूँ कि किसी भाई ने कुछ बोला हो या कुछ कमी है जो उसको लगी है वो मुझे पूरी करनी चाहिए। तो मैं एवरी डे मैं देखता हूँ। तो इसलिए तो आज मुझे जो है ना इस गाड़ी का बनाने का मौका मिला है क्योंकि ये भी नहीं आई है। तो इसलिए तो मैंने कहा नहीं आई है दो दिन से, तो इसकी मैं वीडियो बना के व्लॉग बना के अपने भाई और बहनों से मैं शेयर करूँ इसको। तो इंशाल्लाह फिर चलते हैं व्लॉग बनाते हैं गाड़ी की तरफ, तो आप गाड़ी इंजॉय करें। तो जनाब ये गाड़ी है जी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जी, टोयोटा रश। जनाब ये टोयोटा रश है, ये जनाब इसका फ्रंट है जी। अभी आप फ्रंट देखें जी, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं गाड़ी। ये इसका फ्रंट है जी, ये इसके साइड से बहुत प्यारी, ये ग्रे कलर में है। कुछ बंदे इसको लाइट ब्लू भी कहते हैं यहाँ, लेकिन डॉक्यूमेंट में इसका ग्रे लिखा हुआ है, ग्रे में आती है ये। बहुत प्यारी गाड़ी है जनाब। ये जनाब इसका बैक आ जाता है टोयोटा रश। ये जनाब इसका बैक है जी, माशाल्लाह बहुत प्यारी गाड़ी है, बैक से भी आप देख सकते हैं। बहुत नाइस शाइनी कलर है जनाब। ये जनाब इसकी बैक लाइट्स हैं, क्रिस्टल में लाइट हैं, क्रिस्टल। और जनाब इसके अगर टायरों की बात करें तो आप रिम अलाय रिम लगे हुए हैं, स्पोर्ट रिम है, बहुत नाइस। और टायर भी जो है ना ये ऑलमोस्ट न्यू टायर हैं, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट न्यू टायर हैं, अलाय रिम के साथ है जनाब। तो जनाब अभी आप चलते हैं जी अंदर, अंदर की तरफ लेके जाते हैं। ये जनाब इसका डोर देखें जी, क्या ग्रेस है माशाल्लाह, बहुत नाइस। ये एक्चुअली बहुत क्लीन कार है जनाब, बहुत नाइस एंड क्लीन कार आई है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। बहुत साफ गाड़ी है ये जनाब, देखें जी बहुत साफ और बहुत क्लीन कार है ये इसके जनाब। इसमें आप चीज़ें रख सकते हैं, ये आगे भी आप डॉक्यूमेंट पेन वगैरह रख सकते हैं। ये कॉफ़ी के लिए बना हुआ है, ये जनाब ऑटोमेटिक में है, ये सारा सिस्टम आपके सामने है। सीडी प्लेयर लगा हुआ है, यहाँ से आप एसी वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटो ऑफ। ये जनाब इसका जो डिज़ाइन दिया हुआ है ये मीटर वगैरह का, ये इस तरह आता है गोलाई में, बहुत अच्छा, अच्छी शेप में। सब डिफरेंट होती हैं लेकिन सबका अपना अपना डिज़ाइन होता है, बहुत अच्छी। यहाँ से आप साइड मिरर और विंडो वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि सारा जो है ना ऑटोमेटिक है। और बहुत नाइस एंड क्लीन कार है ये जनाब, हर चीज़ आपको दिखा देना, कोई चीज़ रह ना जाए, इसलिए जो छोटी छोटी चीज़ें सब दिखानी चाहिए। तो ये जनाब इसके ऊपर हमारा लाइट डोर और ग्लासेस वगैरह रखने के लिए, बहुत क्लीन।
एक्चुअली 2006 मॉडल में है ये, 2006 मॉडल टोयोटा रश है, और फैमिली के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। आपको अभी पीछे से भी मैं चेक करवाऊंगा, इसकी बैक सीट्स वगैरह काफ़ी स्पेशियस हैं, इसको फोल्ड करके भी दिखाऊंगा आपको। अभी आज है पीछे जनाब, ये पीछे की है, ऑलमोस्ट सारी सीटें जो है नई हैं, नई सीट्स हैं, और आप देख सकते हैं ये वीडियो में। और ये नीचे भी आप देखें, बहुत साफ़ गाड़ी है, एक्चुअली 2006-07 मॉडल में है ये जनाब, 2006-07 मॉडल में है, और काफ़ी क्लीन और नीट कार है। अभी आप अगर इसको यहाँ से अभी दिखाऊं मैं आपको, इसको भी इसको नीचे करें, यहाँ से इसको खींचें जनाब, ये सीट आपकी ऐसे फोल्ड होके ऊपर चली जाएगी, और ये आप देख सकते हैं अगर आपको कोई बैग वगैरह सामान रखना है पीछे, कितनी स्पेशल। इसी तरह वो सामने है सीट, उसको भी आप फोल्ड कर सकते हो, आपके पास ये पूरी जगह जो फ्री हो जाती है, आप इजीली बैग इधर, और आप देख सकते हैं कितनी स्पेशियस जगह है, और आप आराम से यहाँ पे बड़े बैग 4-5 तो आराम से आ जाएंगे बैग आपके, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी क्लीन और बहुत नाइस कार है ये जनाब, अंदर से है। तो आज का व्लॉग्स आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में लाजमी बताएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज की गाड़ी, आपकी यूनिट, आज की यूनिट जो है बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। वैसे ये गाड़ी बहुत नाइस गाड़ी थी, और बहुत नाइस गाड़ी है, तो आई भी नई गाड़ी है जनाब, तकरीबन 1 वीक हुआ है, 3-4 दिन हुए हैं ऑलमोस्ट, तो मैं सोचा कि टाइम मिला तो आपके लिए इसकी वीडियो बना लूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, गाड़ी पसंद आई होगी। एक्चुअली मैं गाड़ी है ही बहुत अच्छी, बहुत नाइस कंफर्टेबल गाड़ी है, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह अपने बाइक को सपोर्ट करते रहें, प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, ठीक है? तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत रखे, और खैर खैरियत रखे, आमीन सुम्मा।